Well, so what's up guys, this is Akshay Kumar. So before I start my video, please subscribe to my YouTube channel. So yeah, basically मैं वीडियो इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है विंटर्स आ गए तो पर बाइसाइकिल मतलब हम चलाना विंटर्स में मोस्टली हम स्टॉप कर देते हैं, पर जो राइडर्स हैं जो मतलब चाहते हैं कि वो विंटर्स में भी साइकिल चलाएं और दे आर प्लानिंग टू बाई अ न्यू बाइसाइकिल, प्लीज़ इस वीडियो को देखना क्योंकि इस वाली वीडियो में मैं आपको पूरे ए टू जेड बॉटम से लेकर टॉप तक अपनी साइकिल के पूरे मतलब पूरे इंटीरियर एक्सटर्नल क्वालिटी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो प्लीज एंड तक देखना। तो पहले मैं इसको यहाँ पे अच्छे से खड़ी कर लेता हूँ। चलिए तो पहले हम इसके बॉटम से बात करेंगे कि मतलब क्या इसका टायर का साइज आता है, क्या इसका मतलब इसका रिम क्या साइज मतलब कैसा क्वालिटी है, स्ट्रांग है कि नहीं, वो मैं आपको इस वाली वीडियो में पूरा बताऊंगा। सो गाइस, अगर हम इसकी टायर की बात करें तो ये काफ़ी मींस काफ़ी लार्ज है साइज में, और इसके टायर का साइज ये कोई मींस ये मैंने कंपनी का नहीं डलवाया, पहले था ये कैंडा का। अगर आपको टायर डलवाना है लाइक कैंडा का या फिर रैलसन का तो आपको 1500 से अबव मिलेंगे। ये मैंने 700 का ऐसे ही अभी सिंपली साइकिलिंग करने के लिए डलवाया। इसका साइज़ 26 मिल जाएगा आपको। तो पहले तो मैं आपको इस साइकिल के एडवांटेज बताता हूँ कि इसमें तो फर्स्ट ये आ जाएगा, इसको बोलते हैं क्विक रिलीजर। ये बहुत ही मीन्स मैक्सिमम साइकिल्स में तो होगा ये, लाइक साइक्लिक्स होगी और भी काफ़ी होगी साइकिल्स लाइक क्रॉस की होगी, ग्लोबेट होगी, उसमें आपको फ्रंट क्विक रिलीजर तो मिल जाएगा। इवन आजकल हीरो स्प्रिंट में भी आ रहा है तो उसमें तो आपको मिल जाएगा। पर ये जो ये क्विक रिलीजर है ये मेरे दोनों में आता है, फ्रंट और बैक टायर में। मैं आपको पीछे वाला बताऊंगा, ये दोनों में आता है। तो एक्चुअली मैंने वॉश नहीं की तभी इसके जो ये रिफ्लेक्टर्स हैं ये काफ़ी शाइन नहीं कर रहे। अभी काफ़ी टाइम के बाद बाहर निकाली थी यार, तो सोचा वीडियो एक न्यू शूट करते हैं। तो हाँ, मैं क्विक रिलीजर की बात करता। इसका एडवांटेज ये है लाइक सपोज अगर आप यहाँ से लाइक आई एम स्टेइंग इन सिद्धबाड़ी धर्मशाला, तो आप यहाँ से पालमपुर जाना चाहते हो तो आप इसको क्विकली आप इसको ओपन ऐसे अभी टाइट है इसको ओपन करके आप इसका जो टायर है वो बाहर आ जाएगा और अपनी कार की डिक्की या फिर सीट में आप रख के आराम से साइकिल कैरी कर सकते हो। सिमिलरली जो पीछे वाला टायर है वो भी मेरी साइकिल में खुल जाता है तो मैं इजीली अपनी साइकिल को कहीं भी कैरी कर सकता हूँ। तो ये मेरा सबसे अच्छा बेस्ट एडवांटेज इस साइकिल का है। तो और अगर हम इसके रिम की बात करें, ब्लैक कलर में आता है, काफ़ी स्ट्रांग है, आप देख सकते हो काफ़ी स्ट्रांग है, मेरे को अच्छा लगता है। और ठीक है, मीन्स टायर अच्छा है, ग्रिप इतनी अच्छी नहीं है, पर मैं भी अभी जैसे ही विंटर्स लाइक मेरी हॉलीडे स्टार्ट होगी तो मैं इसमें और मॉडिफिकेशन करवाऊँगा, टायर चेंज करवाऊँगा अपना अभी। तो टायर मेरे प्रोग्रेस में हूँ, नया कैंडा का लेने वाला जिसकी ग्रिप बहुत ही ऑसम है। तो गाइज अब हम उसी व्हील पे हैं तो हम बात करते हैं डिस्क मशीन की। अगर आप बाइसाइकिल ले रहे हो तो बाइसाइकिल टू वे में आती है, एक होता है सिंपल शू तो वो जो होंगे वो यहाँ जो होंगे वो यहाँ पे अटैच होंगे, ये उन्होंने दिया हुआ है। मैं इवन शू भी करा सकता हूँ, बट आजकल मोस्टली जितनी भी साइकिलें हैं सब में डिस्क पैड डिस्क या मशीन आ रही है। तो अब क्वालिटी डिपेंड करती है डिस्क मशीन पे भी। तो लाइक जितनी महंगी डिस्क मशीन होगी उतनी ही आपकी ब्रेक की ग्रिप अच्छी लगेगी। तो मेरी डिस्क मशीन जो है वो टेक्ट्रो की है, काफ़ी महंगी कंपनी है और ऑसम काफ़ी बहुत ही अच्छी कंपनी है ये। आप मोस्टली साइकिल्स में आप यूट्यूब में चेक कर सकते हो टेक्ट्रो की डिस्क मशीन, लाइक जितनी भी कॉस्टली साइकिल्स होगी सब में आजकल मोस्टली आती है। मैम ये नहीं बोल रहा कि जो दूसरी डिस्क मशीन्स होती हैं वो बेकार होती है, सब इक्वली है, पर जो ट्रैक्टर सबसे मानी हुई कंपनी है। और क्या मींस और इसकी डिस्क मतलब एक स्टैंडर्ड साइज डिस्क का यही आता है, एक कोई इससे बड़ा नहीं होगा, यही डाएगा। और तो ये बात थी फ्रंट व्हील की। तो अब पीछे वाले व्हील की बात करते हैं। तो गाइस सबसे मेन पार्ट पूरी बाइसिकल का जो उसका पीछे वाला टायर होता है उसमें अटैच होता है। तो
इसमें एक्चुअली आप सोच रहे होंगे मैंने ब्लैक कलर का ये इतना लंबा स्ट्रिप सा क्यों चढ़ाया है, ये क्यों चढ़ाया है क्योंकि लाइक मैं जब साइकिलिंग करता हूँ तो जब मींस कोई स्पीड ब्रेकर या कुछ भी आता है तो क्या होता है जो चेन एकदम से ऐसे बहुत स्पीड में एकदम से लग जाती है बहुत खींच के, तो ये जो होता है पूरा टूटने लग पड़ता है, ये पूरा मतलब इसका जो कलर है वो फेंट होने लग पड़ता है, तो इसी के लिए मैंने ये यहाँ पे लगाया है। ये मैंने सिंपल जो वो क्या मींस कुछ भी ले सकते हो आप कपड़ा, इवन आप ब्लैक टेप लगा सकते हो पर ब्लैक टेप बहुत जल्दी निकल जाएगा, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप कोई भी अनयूज जो मतलब कोई यूज़ नहीं करता क्लोथ लो उसके ऊपर टेप को ट्रांसपेरेंट टेप को इस मींस रैप कर दो। तो अब बात करते हैं हम इसकी मेन पूरे जो मतलब साइकिल का मेन पार्ट है, तो यहाँ पे आपको आता है ये गियर सिस्टम। ये गियर मेरा टॉर्ने का है, मींस ये भी बहुत ही महंगी कंपनी है, मोस्टली सभी साइकिल्स में टॉर्ने का ही आ रहा है। टॉर्ने हो गया शिमानो, दो कंपनी हैं सबसे मेन जो साइकिल में जिनके मोस्टली साइकिलों में गियर बॉक्स शिमानो या टॉर्ने का ही होगा, तो बहुत ही सही मींस काफ़ी अच्छा क्वालिटी है, बहुत ही सही इसकी क्वालिटी है इस गियर बॉक्स की। तो एक चीज़ आप पक्का ध्यान रखना कि जब भी आप साइकिलिंग कर रहे होंगे ये बात ध्यान रखना कि साइकिल कभी भी इस साइड गिरनी नहीं चाहिए, अगर इस साइड गिर गई तो आपका गियर बॉक्स टूट जाएगा जिसकी कॉस्ट 2000 इवन 1500 से भी ऊपर उसकी कॉस्ट होती है, काफ़ी महंगा है मेरे लिए, तो अभी तक मेरी गिरी नहीं बट थोड़ी सी ख़राब तो हो गया था क्योंकि मैंने ऐसे स्टैंड किया था और गिर गई, थोड़ा बचा के रखना। एक इसके लिए यहाँ पर प्रोटेक्शन भी आती है, वो मैंने लगवाई नहीं, उससे साइकिल का लुक थोड़ा बेकार सा हो जाता है, मेरे को पसंद नहीं वो, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए आप इसमें कितने गियर है, 7, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, बहुत ही गंदा हो गया, अभी साफ बिल्कुल नहीं की, तभी आपको थोड़ा आप देख रहे होंगे बहुत ही मीन्स डार्क सा लग रहा है, देखो मेरे हाथ कैसे हो गए, ओह माय गॉड। तो गाइज हम पीछे वाले व्हील की डिस्क मशीन में आ गए, सेम टेक्ट्रो की लगी हुई है, और जो मैं आपको बोल रहा था कि मेरे में दोनों क्विक रिलीजर आते हैं, तो आप देख सकते हो ये वाला है, तो मैंने इसका आपको एडवांटेज बता दिया, ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, जो टायर है उसका सेम साइज है। तो और हम अब रह गया हमारा, अब देख सकते हो मैंने इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन करवाई थी, तो मैंने एक तो पहले फायरफॉक्स का लॉक लगवाया जिसका कॉस्ट 350 से 700 तक इवन जाता है, पर मैंने अभी सिंपल 350 का लगवाया। ये आप कहीं भी माउंट करवा सकते हो, इवन आप साइकिल के यहाँ करवाओ कहीं भी, यहाँ मेरे को तो यहाँ पे अच्छा लगा। साथ में यहाँ पे आपको वाटर बॉटल स्टैंड हर साइकिल में आपको जब भी आप न्यू बाय करोगे ऑलरेडी वो फिट करके देंगे। तो अब बात करते हैं हम इसके अपर की, नीचे तो हमने कर लिया, ये स्टैंड है इसका छोटू सा स्टैंड लगा हुआ है, ये अच्छा है काफ़ी, मैक्सिमम में यहाँ पे लगता है पर मेरा यहाँ पे लगा हुआ है। तो गाइस हैंडल की बात करें तो ये मेरा बाइसिकल हैंडल है, इसमें मैंने जो इसका मैंने रिव्यू दिया था हेडलाइट का, मैंने वही हेडलाइट सोलर वाली लगाई है, डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूंगा अगर आपको ये लाइट बाय करनी है और मेरा वीडियो देखना है। साथ में मैंने मोबाइल होल्डर लगवाया हुआ है, ये काफ़ी अच्छा है, वेन एवर लाइक आप कहीं लॉन्ग रूट के लिए जा रहे हो तो आपको मैप लोकेट करना है या म्यूज़िक सुनना है तो मैं अपना मोबाइल यहाँ पे होल्ड करके लगा सकता हूँ। तो अगर बात करें तो मैंने फायरफॉक्स की बेल लगवाई हुई है, इसकी कॉस्ट 350 आपको मिल जाएगी, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। तो बात करें तो ये हमारे आगे फ्रिक्शन, इसको गियर्स नहीं बोल सकते, हाँ गियर्स नहीं बोल सकते, इसको फ्रिक्शन बोल सकते हो, सिर्फ तीन होंगे, तीन ही मिलेंगे, और अगर राइट साइड में देखोगे तो 7 देख सकते हो आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये पीछे वाले गियर्स, इसको प्रॉपर गियर्स बोल सकते हो, उसको फ्रिक्शन बोलते हैं, 7 ही मिलते हैं तो 7 3 20 1, तो टोटल 21 गियर्स इस बाइसिकल में आते हैं, जो हिली कोई साइड में भी 3100 है उसमें 8 गियर्स आते हैं। तो प्राइस सेम है पर मैंने थोड़ी जल्दी दिवाली पे ले ली थी, उसके बाद वो हुई थी, कोई बात नहीं, नेवर द लेस मेरी दिस साइकिल मेरी बेस्ट है। तो अगर बात करें हम इसके फ्रिक्शंस की, तो ये जो है ये वाला, इसमें ये इंक्रीज, लाइक देखो ये इंक्रीज होगा और ये डिक्रीज होगा, इससे आप इंक्रीज करोगे लाइक दिस, खड़े खड़े कर रहा हूँ तो अभी नहीं होगा, तो ये बैक हो जाएगा, इससे
ये इंक्रीज और ये डिक्रीज, याद रखना। और इसमें ओपोजिट होगा, इसमें ये डिक्रीज के लिए, ये इंक्रीज। लाइक सपोज देखो, ये वाला दबाओगे तो 3, 4, 5 ये डिक्रीज। लाइक देखिए मेरा हाथ आ रहा है, सॉरी, देखिए 4, 3, 2, 1 देख सकते हो आप। तो ये तो गियर्स की बात हो गई, अब बात करते हैं मेरे लाइट की। ऑलरेडी मतलब वीडियोस के बना चुका हूँ, पर फिर भी मेरे को लाइट बहुत पसंद आई, इसीलिए मैंने बाय कर ली थी। ये बहुत ऑसम लाइट है, जब भी रात को नाइट के लिए साइकिलिंग निकलता हूँ तो ऑसम लगी। सो आई रिकमेंड यू टू प्लीज़ बाय दिस लाइट इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय न्यू साइकिल एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू अटैच दिस न्यू हेडलाइट। तो ये साइकिल होल्डर, सॉरी साइकिल नहीं, मोबाइल होल्डर आ जाएगा यहाँ पे, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। और अगर इसकी ब्रेक्स की बात करें, साइज़ में थोड़ी छोटी आएगी ब्रेक की, पर अच्छी है मेरे लिए तो, अच्छी है, ग्रिप काफ़ी अच्छी है इसकी, देख सकते हो दोनों में साइड में, ये देखो आ जाएगी अच्छी। और अगर इसकी बात करें तो ये जो है शिमानो, मैंने बोला था आपको कि गियर बॉक्स टॉर्ने और ये बनाता है शिमानो, जो ये पूरा, ये जो पूरा ये पैड लगा हुआ है ये शिमानो का है, और यहाँ भी शिमानो का ही आएगा। तो अगर बात करें बैक की, बैक की तो देखिए, पहले तो ये मैं सीट, मेरे को काफ़ी हाई अच्छा लगता है क्योंकि मेरे को राइड करने में मज़ा आता है हाई में। तो आप देख सकते हो पीछे मैंने एक लाइट फिट कराई हुई है, फिट नहीं कह सकते, नहीं, बाइक ये भी चार्जेबल है, काफ़ी अच्छी लाइट है। मैं एक मिनट फ्लैश लाइट बंद करता हूँ। अब देख सकते हो ये लाइट काफ़ी अच्छी है, ये अटैच सबसे बेस्ट लाइट लगी क्योंकि अटैच ही रबर से होती है, कोई इसमें स्क्रू नहीं चाहिए, आप जितना मर्जी इसको रोटेट कर सकते हो। यहाँ पे इसका बटन आएगा ये वाला, इसको प्रेस करके रखना पड़ेगा, देख सकते हो आप, ये ग्लो होना स्टार्ट होगी। अब देख सकते हो मोड है इसमें, ये वाइट कलर की है, ये देखिए ये डार्क हो गई और ये ऐसे बंद हो जाएगी। सो मेरे को बहुत ही अच्छी लगी। और बात, अब इसकी बात करते हैं हम इस, ये देखिए ये है सीट क्विक रिलीजर, एज मतलब अभी तो मैंने लाइट, रुको मैं लाइट इसको ऊपर कर देता हूँ। तो मैंने अभी ये देखिए सीट, जैसे आप इसको ओपन करोगे तो सीट क्या होगा, नीचे हो जाएगी। ये देखिए आप अपनी मर्जी से सीट को एडजस्ट कर सकते हो। तो ये तो सिंपल बात है, मैक्सिमम आपको पता ही होगा। तो जैसा कि मैंने बोला, ये मेरा मॉडल हिली 2100 है, तो मेरे को बहुत ही पसंद, मेरे बहुत अच्छी साइकिल लगी। अगर आप बाय करना चाहते हो इसी साइकिल को, तो मेरे घर के नियर बाय पठानिया आर्ट गैलरी है, उसी से मैंने ये साइकिल ली थी। इसकी कॉस्ट वैसे रियल 19,500 है, बट मेरे को ये 18,000 की पड़ी। और देख सकते हो यहाँ पे बोल्ड लेटर्स में हिली लिख देंगे आपको, ये लाइक दिस हिली। सॉरी गाइस, लास्ट चीज़ मैं बताना भूल गया, सॉरी, मैं एक काम आपके लिए नहीं कर सकता, कि मैं आपको बता नहीं सकता कि आप गियर्स कैसे चेंज कर सकते हो, क्योंकि जो मैं अभी ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ये अपने ट्राईपॉड से शूट कर रहा हूँ, तो बहुत मुश्किल होगा। एक साइड मेरे को इसका पैंडल घुमाना पड़ेगा, साथ में गियर करने पड़ेंगे, तो यू नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। पर लास्ट चीज़ जो मेरे को बतानी है वो ये कि इस साइकिल का मेन एडवांटेज क्या है, ये पूरी एलुमिनियम की बनी हुई है। ये बहुत बहुत रेयर साइकिल्स में होता है कि एलुमिनियम की बनी, सो गाइज आई होप यू इन्जॉयड माई दिस वीडियो। और प्लीज़ जब भी साइकिल बाय करोगे अवेयर रहना, और मेरी वीडियो को प्लीज़ देखना, मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो करना प्लीज़, मेरा यूज़र नेम है BMW Forever 202। थैंक यू।